देखिए अभी कह रहे हैं कि करने देंगे, तो हमने कहा हमारे सब प्रदर्शन और सब विरोध प्रदर्शन हमारे होते शांतिपूर्वक। हिंसा अगर कोई करवाता है तो वो प्रशासन और वो पुलिस की तरफ से होता है, और यही हम देखेंगे। ये पूरे आंदोलन में सिटीजनशिप अमेंडमेंट की पूरे आंदोलन में सिर्फ 3 स्टेट है जहाँ पर गोलियों से मौतें हुई है लोगों की, और 3 के 3 बीजेपी के प्रशासन, यूपी, कर्नाटका और असम। और ये हिंसा वहीं हो रही है जहां पर बीजेपी के सरकारें और करवा रहे वो। अब जेएनयू में जो किया, 3 घंटे के लिए बाहर के गुंडे नकाब पहनकर लाठी लेकर, लोहे के लाठियां लेकर वो आके मारते छात्रों को, अध्यापकों को। 3 घंटे के लिए उनको मोहलत दिया गया। 3 घंटे के बाद पुलिस को बुलाया जाता है, जो तैनात था गेट पे। पुलिस के सामने ये गुंडे घुसे, पुलिस के संरक्षण में ये गुंडे बाहर आए, और उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। इसका मतलब क्या है? वाइस चांसलर खुद इस पूरे के पूरे हिस्से में उनका सीधा जिम्मेदारी बनता है कि वो इस तरीके के खुला छूट इन गुंडों को क्यों दिया 3 घंटों के लिए। इसलिए वो उसको हटाना जरूरी है, अनिवार्य है, अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को सही रास्ते पे फिर वापस लाना है। और वो बातचीत करे छात्रों से, अध्यापकों से, और बातचीत करने के लिए आज तक तैयार नहीं हुआ वाइस चांसलर। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कहने के बावजूद वो बात नहीं कर रहा। अभी भी जो घायल हुए हैं छात्र, वो उनको देखने भी नहीं गया, तो पता ही सीधा सीधा पता चलता उसकी मानसिकता क्या। तानाशाही तानाशाही से भी आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक पर्चा लगाया गया है। अरे बिल्कुल गलत बयान दे रहे हैं। सवाल का जवाब दो वाइस चांसलर कि 3 घंटे क्यों चुप रहे आप? वो कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब इसको भूल जाओ और आगे बढ़ो। अन्याय कभी भूला नहीं जाता है सर, कल उनके बोलने से क्या होता है। और इतना प्रीमियम, और दिल्ली कैपिटल है, यहाँ गुंडे एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में घुस करके इसके संरक्षण में हुआ है। ये जो वाइस चांसलर है, मैं आज से नहीं, कई वर्षों से, कई 2-3 साल से वहाँ जा रहा हूँ। ये आदमी है, ये बिठाला गया इसलिए कि जवाहरलाल नेहरू या जैसा विश्वविद्यालय जिससे एक तरह से हमारे देश का गौरव है, और वहाँ एक से एक लोग हैं। यहीं एक उस जेएनयू का जो प्रेसिडेंट है सीताराम येचुरी, यहीं खड़े हैं। कितने प्रेसिडेंट हैं, कितने लोग हैं, इस सरकार में 2 मंत्री हैं। उस संस्था को ये खत्म करना चाहते, तोड़ना चाहते, उसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। प्रॉब्लम इज जेएनयू इज द प्राइड ऑफ द नेशन, देयर इज अ सिनिस्टर डिजाइन टू डिस्ट्रॉय दैट यूनिवर्सिटी। इवन द वाइस चांसलर स्पीक्स अबाउट closing down of the university. Now he says he is not for closing down of the university. It is none of his business to talk about whether closing the university or not closing the university. That is why the vice chancellor's position has become extremely untenable. He has to go. That is the demand made by the student community. We are here to support that demand and of the teachers, student community. And also teachers are demanding. The vice chancellor cannot remain in his position. He has to go. And we are here to support their demands, teachers' demand and students' demand. Why there should be such a sinister attempt to destroy that university?
सर कल भी एमएचआरडी से कहा गया कि आप स्टूडेंट से बात कीजिए और फैकल्टीज को अपने कॉन्फ्रेंस में लीजिए। बिल्कुल ये 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 बिल्कुल सही है। वहाँ जितने लोग घायल नौजवान है एक से मिलने नहीं गया, वो उनसे कह रहा कि मैं तैयार बैठा हूँ आ जाओ। जो लोग घायल हैं जो मरणासन हैं उनको कह रहा आ जाओ हमसे मिलो। ऐसा तो विश्वविद्यालय में हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोग खुद ही प्रेसिडेंट रहे हैं, यानी इस तरह से वाइस चांसलर का एटीट्यूड जो है वो तो गार्जियन है। वो घायल लोगों से भी नहीं मिले, एक और नंबर दो इसी आदमी के प्रोटेक्शन में सब हुआ है। बीजेपी के जो खास करके जो एबीवीपी के लोग हैं उनसे मिलकर के इसने ये काम किया है। सर सीबीआई की तरफ से आज कहा गया कि सीए के लेकर के जो प्रदर्शन हो रहे हैं देश एक कठिन समय से गुजर रहा है। सीबीआई ने भी टिप्पणी की है सीए पर, उन्होंने कहा है कि देश एक कठिन समय से गुजर रहा है सीए के प्रदर्शन को लेकर। एक्चुअली ये गुजर रहा है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा हमला हमारे संवैधानिक व्यवस्था पर ही हो रहा है, और ये सरकार की तरफ से जिस तरीके की कदमें उठा रही वो यही लग रहा है कि हमारी एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है उसी को दोष करने पे तुले हुए। सीजीआई के ऐसे में टिप्पणी करना कितना महत्वपूर्ण है हुआ है वो एक सोची समझी साजिश है। जेएनयू को बदनाम करने के लिए, विद्यार्थी आंदोलन को कुचल देने के लिए ये सब साजिश हो रही है। इसका विरोध करने के लिए आज दिल्ली में विद्यार्थी नागरिक प्रोफेसर सब लोग इकट्ठा हुए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार को बता रहे हैं कि जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से बीसी के ऊपर भी कहा जा रहा है कि उनकी तानाशाही जेएनयू में देखी गई है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैं खुद एक स्टूडेंट लीडर रह चुका हूँ और विद्यार्थी हमेशा जब मैदान में उतरते हैं तो इस तरह से कुछ घटनाएं होती है, लेकिन वीसी की ये वीसी का ये फर्ज बनता है कि सभी को भरोसे में लेके काम करें। वीसी ने जिस तरह से ये हादसा होने के बाद जो स्टेटमेंट दिए हैं और जख्मी विद्यार्थियों को मिलने से इनकार कर दिया है उसके ऊपर से साफ जाहिर होता है कि वीसी और गवर्नमेंट और पुलिस की मिली भगत है ये विद्यार्थी आंदोलन को कुचल देने के लिए। ये विद्यार्थियों का आंदोलन सिर्फ आज का आंदोलन बोल के नहीं देखना चाहिए। जेएनयू के लड़के पिछले कई सालों से कई मुद्दों को लेकर उठा रहे हैं। रोहित वेमुला का विद्या उन्होंने उठाया था, ऑक्यूपाई यूजीसी बोल के उन्होंने शिक्षा का जो व्यापारीकरण हो रहा है उसके खिलाफ मुद्दा उठाया था, आज भी फीस जो बढ़ोतरी हुई उसके बारे में मुद्दे उठा रहे हैं। सीए और एनएनए के बारे एनआईसी के बारे में भी सबसे ज़्यादा बोलने वाले वोकल वही विद्यार्थी हैं। तो ये सरकार समझती है कि ये पढ़े लिखे सोचे सोच समझ रखने वाले विद्यार्थी है, इनको कुचल देना ये उनके लिए ज़रूरी समझता है। उसके लिए कई सालों से वो जेएनयू को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अलग अलग कंडोम कितने मिले, सिगरेट कितने पीते हैं, पैसा कितना खर्च करते हैं, लेकिन ये समझ में 50% से ज़्यादा जेएनयू के विद्यार्थी ये मजदूर किसान के बेटे हैं और यहाँ पर सस्ते में शिक्षा मिलती है उसके लिए वो पढ़ने को आते हैं, ये सरकार भूल जाती है। तो सरकार की ये साजिश के खिलाफ ये आंदोलन है, ये ऐसा समझ लीजिए।